अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शो हो रही है सब लोगों को? ओके अच्छा, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 दिन का रह गया बस। आज मैं ये पढ़ा के इसके बाद आपको एक रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी और फिर हमारा इंशाल्लाह कल स्ट्रोक होगा। ये पेज नंबर है 1112 पेज पे है, डेविडसन के मूवमेंट डिसऑर्डर्स। आज हम लोगों ने ये पढ़ना है। मूवमेंट डिसऑर्डर्स में बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर पार्किंसंस डिजीज और उसके वेरियंट्स। पार्किंसंस के बारे में वी हैव एन आइडिया ऑलरेडी, मतलब हमें पता है पार्किंसंस में डोपामीन और सबस्टेंशिया नाइग्रा और पेशेंट का पोस्चर कैसा हो जाता है, स्टूप पोस्चर और रिजिडिटी हो जाती है, ये सारी बातें थोड़ी बहुत हमें पता है। ठीक है, हमारा ज्यादा मेजर काम इसके अंदर इसका ट्रीटमेंट है। इसके जो ड्रग्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके कुछ वेरियंट्स हैं। उन वेरिएंट्स के दो दो फीचर्स बस आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो पेज नंबर 1112 पे है मूवमेंट डिसऑर्डर। इट्स अ यूक्यू, नॉट रिपीटेड वन, लेकिन एक दो दफा आया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो सीएनएस है उसके अंदर से स्ट्रोक ही ज्यादा आता है ज्यादातर। ठीक है, उसके अलावा इतना कुछ नहीं आता। अगर आ भी जाए तो दैट इज एपिलेप्सी, सेकेंड टू स्ट्रोक इज एपिलेप्सी। ओके, हम लोग मूवमेंट डिसऑर्डर्स में स्टार्ट करने लगे हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, अब आगे जो इसके वेरिएंट्स हैं उसमें सबसे पहले है आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज। आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज वो डिजीज है, मतलब ये वो पार्किंसंस डिजीज है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो क्यों हो जाती है, क्या रीजन है उसके पीछे। सम जेनेटिक फैक्टर्स आर देयर, ठीक है, और लेकिन आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन कोई एज सच प्रॉपर कॉज नहीं पता है उसके, क्यों सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामीन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और एसिटाइल कोलीन का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाता है, इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है। दैट्स व्हाई इसको आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। पार्किंसनिज्म का मतलब ये होता है, पार्किंसनिज्म का मतलब ये नहीं है कि उसको पार्किंसंस डिजीज है। पार्किंसनिज्म एक सिंड्रोम है जिसके अंदर पार्किंसंस डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ठीक है, अब मैंने ये क्यों कहा है कि पार्किंसनिज्म पार्किंसंस डिजीज क्यों नहीं है, क्योंकि अगर सबस्टेंशिया नाइग्रा में यूजली, अच्छा एक जनरल बात करती हूँ, पार्किंसंस डिजीज यूजली क्रॉनिक इलनेस है। ठीक है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ये इंक्रीज होती जाती है और इसकी सेवेरिटी में इजाफा होता जाता है। लेकिन एक 70-year-old डायबेटिक है और एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ठीक है, उसको हाइपरटेंशन भी है, डायबेटिक भी, और वो 70-year-old है, मतलब ओल्ड एज में है, वो आपके साथ सडन प्रेजेंटेशन ऑफ पार्किंसंस डिजीज के साथ प्रेजेंट करता है, तो उसको पार्किंसनिज्म है और उसकी रीजन है स्ट्रोक, सबस्टेंशिया नाइग्रा का स्ट्रोक हुआ है उसको। ठीक है, तो आप लोग अक्सर वार्ड में स्ट्रोक का तो पेशेंट ऑलमोस्ट एचडीयू में, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है स्ट्रोक का पेशेंट, तो समटाइम्स आपको उसके फीचर्स पार्किंसंस वाले मिलेंगे, पिन रोलिंग ट्रेमर्स और रिजिडिटी और हाफ बॉडी वीकनेस और ब्रेडिकाइनेसिया, ये आपको मिलेंगे। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज हो, वो उसको स्ट्रोक हो सकता है उस एरिया का जिसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज हो सकती है, तो उसको वही वाले साइंस एंड सिम्टम्स सडन प्रेजेंटेशन के साथ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये दो बातें मैंने आपको क्लियर करनी थी। हमने कहा इसकी कोई मतलब कॉज नहीं है, जेनेटिक फैक्टर्स थोड़े बहुत आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन इतना ज्यादा इसके बारे में कोई काम नहीं हुआ हुआ। पैथोफिजियोलॉजी में वो एक पैथोफिजियोलॉजी ये है कि
जो हम पढ़ते आते हैं कि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है उसके अंदर बेजल गैंग्लिया के अंदर, उसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की जो पिगमेंटेड न्यूरॉन्स होते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा में, उनका लेवल जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है टाइम के साथ साथ. ठीक है, डिप्लीशन ऑफ पिगमेंटेड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा. ठीक है, और ये इसकी मेन पैथोफिजियोलॉजी है. अब वो कहते हैं कि इसमें ना एक और बात यहीं पे लिख लो कि जब डोपामीन का लेवल कम होता है, ठीक है, तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलीन, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ ऑपोजिट में काम कर रहे होते हैं. तो जब डोपामीन का लेवल कम है तो एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इनहेंस हो जाता है ज्यादा, एसिटाइल कोलीन जो है वो ज्यादा इनहेंस हो जाता है. ठीक है, तो एसिटाइलकोलीन जब मोटर एंड प्लेट्स पे काम करता है या सेंसरी एंड प्लेट्स पे काम करता है तो वो एक्साइटेटरी एक्शंस देता है. ठीक है, इसके जो अंडरलाइंग है ना पूरा का पूरा एक पाथवे, अगर आप लोगों को याद हो तो कॉर्डेट पुटामिन और सब थैलेमस और हम ये सारे पढ़ते होते थे. तो बेसिकली होता क्या है कि इनका ना सबसे पहले कॉर्टेक्स से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है सेंसरी इंफॉर्मेशन वो जानी होती है इनटू द थैलेमस. ठीक है, थैलेमस के बाद आपके पास बेजल गैंग्लिया के पास जाती है. बेजल गैंग्लिया के बाद जो इंफॉर्मेशन है ना और सब्सटेंशिया नाइग्रा में जाती है, उसके बाद दोबारा से कॉर्टेक्स में आती है. एक रिले है बेसिकली सब्सटेंशिया नाइग्रा. जब वो रिले एब्सेंट हो जाएगा तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं. उन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज्यादा होने की वजह से अब सारे एक्साइटेटरी साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे. ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसके अंदर एक्साइटेटरी साइंस और सिम्टम्स आ रहे होते हैं. इसके अंदर मोटर सिम्टम्स होते हैं और नॉन मोटर, क्लिनिकल फीचर्स में मोटर सिम्टम्स होते हैं और नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं. मोटर सिम्टम्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नॉन मोटर सिम्टम्स. ठीक है, नॉन मोटर सिम्टम्स तब आता जब पूरी की पूरी डिजीज एक डेवलप हो चुकी होती है पार्किंसंस डिजीज, उसके बाद आपको जो है वो नॉन मोटर सिम्टम्स आना शुरू होते हैं. अच्छा, सबसे पहले मोटर सिम्टम्स के अंदर यहां से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसको. मोटर सिम्टम्स इनिशियली जो है ना एसिमेट्रिकल. पार्किंसंस डिजीज का आपने हमेशा ये बड़ा चीज याद रखनी है कि कभी भी दोनों साइड के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की डिप्लीशन नहीं होती सब्सटेंशिया नाइग्रा में, क्योंकि दो हेमिस्फेयर्स है ना तो दोनों जगह पर होंगे. तो ये एसिमेट्रिकल होती है, मतलब कि बॉडी की एक साइड इन्वॉल्व होती है इसके अंदर. ठीक है, ये यूनिलैटरल डिजीज के साथ यूनिलैटरल साइन और सिम्टम्स का प्रेजेंट करेगा. ये एमसीक्यू अप्रॉफ का कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है ब्रेडिकाइनेसिया. ठीक है, हम इसमें ट्रेमर्स नहीं कहेंगे कि ये रेस्ट ट्रेमर्स इसका हॉलमार्क नहीं है, इसका हॉलमार्क है ब्रेडिकाइनेसिया. ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब है कि डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट्स. ठीक है, एकाइनेसिया बिल्कुल ही मूवमेंट को इनिशिएट ना कर सके. ठीक है, और मूवमेंट बहुत छोटी छोटी मूवमेंट हो जाती है. ठीक है, और इसलिए स्मॉल हैंड राइटिंग माइक्रोग्राफी आती है, डिफिकल्टी टाइंग शू लेसेस और बटनिंग क्लोथेस, क्योंकि सारे मोटर जो आपके कोऑर्डिनेशन वाले काम हैं या फाइन मोटर काम है वो सारे के सारे जो उनका आउटपुट इनपुट था वो सब्सटेंशिया नाइग्रा से होके जाना होता है तो वो सब खराब हो जाएगा. तो ये वाले साइंस और सिम्टम्स आएंगे. डिफिकल्टी रोलिंग ओवर इन द बेड, क्योंकि एक साइड इन्वॉल्व है तो एक साइड से वो रोल कर सकेगा लेकिन दूसरी साइड से वो रोल नहीं कर सकेगा बेड पे. ठीक है, और यूनिलेटरल रेस्ट पे ट्रेमर्स आ रहे होते हैं. ठीक है, और एक बात इसमें ये याद रखनी है कि ये लिम्स जॉ चिन को अफेक्ट करते हैं लेकिन हेड को अफेक्ट नहीं करते ये ट्रेमर्स. यूजुअली उसके ना लिम्स में आ रहे होते हैं, हाथों पे आ रहे होते हैं, हैंड्स में आ रहे होते हैं. ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि इसके अंदर हॉलमार्क है ब्रेडिकाइनेसिया. स्मॉल पोस्चर इसका बहुत ज्यादा स्टूपिंग पोस्चर हो जाता है. ठीक है, फ्लेक्स्ड पोस्चर होता है इसके अंदर और शॉर्ट स्टेप्स लेता है इसके अंदर जो पेशेंट होता है ना वो शॉर्ट स्टेप्स के साथ चलता है आगे. और रेस्टिंग पे ट्रेमर आ रहे होते हैं इसके, यूनिलेटरल एक साइड पे आ रहे होते हैं. ठीक है, और रिजिडिटी की वजह से फ्लेक्स्ड स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है इसके अंदर. अच्छा, एक बात याद रखनी है, ये यहीं पर लिख लो, सेंसरी जो है ना इसके अंदर वो बहुत रेयरली इन्वॉल्व होता है. अगर सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व
हो गया ना इसके अंदर, ठीक है, इन साइंस और सिम्टम्स के साथ किसी सेंसेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, तो वी विल थिंक अबाउट एनी अदर वेरियंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज. हम पार्किंसंस डिजीज नहीं सोचेंगे, आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज, हम कोई और डिजीज सोचेंगे. तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लो कि इसके अंदर सेंसरी सिम्टम्स सिस्टम जो है वो रेयरली इन्वॉल्व होता है, और सेरिबेलम भी. सेरिबेलम हमारी कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, इन्वॉल्व होता है. टैक्सिया के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है इसका, तो फिर भी हम इसको पार्किंसंस के अलावा कुछ सोचेंगे, पार्किंसंस नहीं सोचेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद नॉन मोटर सिम्टम्स के अंदर पेशेंट को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिमेंशिया हो सकता है, लेकिन ये बहुत लेट है. जब पूरी के पूरी ये सारी की सारी फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं ना, पोस्चर का, गेट का, ब्रैडीकाइनेसिया, रिजिडिटी, तो उसके बाद नॉन मोटर सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, एंड वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिमेंशिया इसके साथ साथ होना शुरू हो जाता है, मेमोरी लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टेबल नंबर 25.4 जो है ना, कॉजेज ऑफ पार्किंसनिज्म. आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज जो कि हम पढ़ रहे हैं, 80% में ये कॉज होती है. अब सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज क्या है? स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक, स्ट्रोक सबस्टेंशिया नाइग्रा का. मैंने आपको बताया ना, अगर पेशेंट सडन एक दिन की अपेयरेंस के साथ आ गया है और वीकनेस है बॉडी की उसके, तो आप लोग उसमें आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज भी सोचोगे, लेकिन अगर उसकी पुरानी हिस्ट्री ही नहीं है, सडनली उसके साथ ये वाली प्रेजेंटेशन हुई है, तो फिर आप लोग ये सोचोगे कि इसका हो सकता है सबस्टेंशिया नाइग्रा का स्ट्रोक हुआ, ठीक है. कुछ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आ जाते हैं, और अदर डिजेनरेटिव डिजीज हैं जो लीवी बॉडी को इन्वॉल्व कर रही होती है, डिमेंशिया, ठीक है, और ये भी हमने सारी पढ़नी है, प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, मल्टी सिस्टमिक ट्रॉफी, इनके बारे में मैं आपको कह रही थी कि दो दो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. कुछ हंटिंगटन्स डिजीज है, विल्सन डिजीज है, इसमें भी पार्किंसन डिजीज वाले फीचर्स आ सकते हैं, लेकिन आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज यही है जो हमने फीचर्स पढ़ लिए हैं. बाकी जितने डिजीजेज हैं उनमें कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा फीचर है जो उसको सेपरेट करता है फ्रॉम आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज, तो ये इंपॉर्टेंट है याद करना. ये UQ है, कॉजेज ऑफ पार्किंसनिज्म का. अच्छा, अब फिजिकल साइंस इन पार्किंसंस डिजीज, इसमें से ना ऑल्दो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, और पेशेंट को एक्सप्रेशनलेस फेस होता है, पेशेंट का फ्लेक्स स्टूप्ड पोस्चर होता है, और पोस्चरल रिफ्लेक्सेस उसके इम्पेयर्ड होते हैं, गेट स्लो टू स्टार्ट क्योंकि इनिशिएट नहीं होती है मूवमेंट पेशेंट से, और पेशेंट का जो फेस्टिनेशन कहते हैं, शॉर्ट स्ट्राइड लेंथ, मतलब कि पेशेंट आहिस्ता 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 जो मूवमेंट है ना, जो उसके स्टेप्स हैं, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होते जाते हैं, ठीक है. और फिर उसके बाद ट्रेमर्स में ये कि MCQ पॉइंट है आपका ट्रेमर वाला, कि रेस्ट पे ट्रेमर आ रहा होता है, और 3 to 4 hertz का ये मैंने सॉल्व किया था एक जगह पर, उन्होंने इसकी फ्रिक्वेंसी पूछी हुई थी, ठीक है, 3 to 4 hertz का जो है ट्रेमर आता है इसके अंदर, और एसिमेट्रिकल होता है. एसिमेट्रिक का मतलब है कि सिर्फ एक साइड की बॉडी को इन्वॉल्व करता है, हेड को ये इन्वॉल्व नहीं करता है, ठीक है. और फिर आहिस्ता आहिस्ता ना अब ये ट्रेमर प्रोग्रेस करता जाएगा, फिर पोस्चरल ट्रेमर भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और री इमर्जेंट ट्रेमर भी आना शुरू हो जाते हैं, पहले नहीं होते हैं लेकिन बाद में दोबारा से लेट फीचर अगर प्रेजेंट करे तो उनकी आप लोगों ने बस ये फ्रिक्वेंसीज याद रखनी, इनकी डिटेल्स याद करने की जरूरत नहीं है. फिर उसके बाद रिजिडिटी होती है, कॉगव्हील रिजिडिटी, और ये जो लेड पाइप रिजिडिटी है ना, इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कि आप लोगों को स्ट्रोक के अंदर ही, जब हम सारी कल बातें दो दिन के अंदर स्ट्रोक कवर करेंगे ना, तो कॉगव्हील और लेड पाइप का डिफरेंस पढ़ेंगे कि किस पार्ट को इन्वॉल्व करे तो कॉगव्हील होती है, किस पार्ट को इन्वॉल्व करे तो लेड पाइप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है. एकाइनेसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, डिफिकल्टी टू इनिशिएट मूवमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि नॉर्मल फाइंडिंग्स, अगर ये फाइंडिंग अब नॉर्मल मिल जाए तो कंसीडर एन अदर कॉज, फिर आप उसको आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है. वो क्या है? वो आपके पार डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, प्लांटर रिस्पॉन्सेज हैं. अच्छा, अगर ये अब नॉर्मल होंगे तो यू विल थिंक अबाउट सेरिब्रोवास्कुलर कॉज, ठीक है,
और आई मूवमेंट्स, तो फिर आप इसका एक और वेरिएंट है उसके बारे में सोचोगे, सेंसरी की अबनॉर्मेलिटी आ जाए और सेरिबेलम की अबनॉर्मेलिटी आ जाए, फिर भी आप आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज नहीं सोचोगे, फिर भी एक और इसका वेरिएंट है आप उसके बारे में सोचोगे, ठीक है। तो ये वाला जो डब्बा था ये आपने सारा अच्छी तरह से पढ़ना है। इन्वेस्टिगेशंस में जो इनिशियली जो इमेजिंग होती है सीटी और एमआरआई वो नॉर्मल होती है, ठीक है। और फंक्शनल जब आप पूरा डोपामिनर्जिक इमेजिंग करते हो वो आपको एबनॉर्मल मिलती है इवन इन अर्ली स्टेजेस। तो इसके लिए जो हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक है दैट इज पेट और पेट स्कैन, ठीक है। ये चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस को एक्सक्लूड करने के लिए आप जेनेटिक स्टडीज कराते हो, क्रोमोसोमल स्टडीज कराते हो और हंटिंगटन्स और विल्सन्स डिजीज को रूल आउट करते हो, लेकिन जो मेन इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो स्पेक्ट और पेट स्कैन है जिसमें आप फंक्शनल डोपामिनर्जिक इमेजिंग करते हो। अच्छा, इसकी पार्किंसन डिजीज की मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया इसके ड्रग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात इसके बारे में याद रखनी है कि हमने पढ़ा है कि इसके अंदर डोपामीन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तो आपने कौन से ऐसे ड्रग्स देने हैं जो डोपामीन के लेवल को इन्हेंस करें, एक प्रिंसिपल ये है। और इसके अंदर किस न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सेस होती है, एसिटाइल कोलीन की, तो आपने एसिटाइल कोलीन एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग्स देने हैं, मतलब एसिटाइल कोलीन इनहिबिटिंग ड्रग्स देने हैं आपने इसके अंदर, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं उनको। तो दो ही प्रिंसिपल्स हैं फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट में कि या तो आप इस पेशेंट को डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स दे दो, या ऐसे दे दो जो डोपामिन का मेटाबॉलिज्म होने ना दे, ठीक है, वो ड्रग्स दो, या फिर वो ड्रग्स दो जो कि एसिटाइल कोलीन के लेवल को डिक्रीज करें बॉडी के अंदर। और इसके लिए ऑब्वियसली आप सर्जरी इज वेरी डिफिकल्ट पार्किंसंस डिजीज की, सब्सटेंशिया नाइग्रा की आप क्या सर्जरी, आप वो सर्जरी कर सकते हो जिसमें रिसेक्ट करो जो पार्ट ज्यादा एसिटाइल कोलीन के लेवल्स को सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, वो कर सकते हो। लेकिन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसंस डिजीज इज ड्रग थेरेपी, ड्रग थेरेपी के अलावा कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर लीवोडोपा। अच्छा, जो लीवोडोपा है ना, लीवोडोपा इज बेसिकली अ प्रिकर्सर टू डोपामीन, मैं साथ साथ अंडरलाइन करती जाती हूँ। लीवोडोपा इज अ प्रिकर्सर टू डोपामीन का क्या मतलब है, अच्छा, डोपामीन अगर आप डायरेक्ट देते हो ना तो डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करेगी तो वो ब्रेन के उस पार्ट तक रीच ही नहीं कर पाएगी जहां पर उसकी उन न्यूरॉन्स की या डोपामीन की जरूरत है। तो आप उसका वो प्रिकर्सर देते हो जो कि इजीली क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, लीवोडोपा। लीवोडोपा कन्वर्ट होता है इनटू डोपामीन और फिर डोपामीन जो है वो अपना काम करता है, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब दूसरा, लीवोडोपा क्या करती है, जब आप लीवोडोपा देते हो तो लीवोडोपा अगर ओरली एडमिनिस्टर करो तो वो 90% जो है पेरिफ्री में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो 10% सिर्फ वो ब्रेन तक पहुंचती है। तो उसका क्या नुकसान होता है कि उसके जो पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, पोस्चरल हाइपोटेंशन, नॉजिया, वॉमिटिंग और जो मूवमेंट वाले हलूसिनेशन और बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस, वो ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक काम आपने ये किया कि आपने लीवोडोपा तो दे दी, लीवोडोपा देने के साथ साथ जो लीवोडोपा को की डीकार्बोक्सिलेशन कराता है तो डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर कार्बिडोपा आप देते हो साथ, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा या बेंसेराजाइड देते हो, ठीक है। लेकिन हमने कार्बिडोपा का ज्यादा पढ़ा हुआ है तो कार्बिडोपा एक ऐसी ड्रग है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। ये क्या करेगी, ये अनवांटेड डीकार्बोक्सिलेशन को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। ये डीकार्बोक्सिलेशन को ब्लॉक करके और लीवोडोपा का जो लेवल है वो ब्रेन के अंदर ज्यादा जाएगा। हमने दो काम किए, हमने डोपामिन का प्रिकर्सर दिया जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और हमने साथ डीकार्बोक्सिलेशन का इनहिबिटर दिया ताकि वो पेरिफेरल साइड इफेक्ट से बचाया जा सके उसको और वो ब्रेन के लिए अवेलेबल हो लिवोडोपा, तो हमने साथ उसके मिला के कार्बिडोपा दे दी, ठीक है। अब लिवोडोपा और कार्बिडोपा जो है वो एकाइनेजिया और रिजिडिटी को तो बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्टिव है, मतलब एक एनेजिया और रिजिडिटी में, अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग आपके पास लीवोडोपा और कार्बिडोपा ही है, तो एक एनेजिया रिजिडिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है,
ठीक है, लेकिन ट्रेमर्स पे इतना ज्यादा सेटिस्फेक्टरी कोई इफेक्ट नहीं आता, तो ट्रेमर्स के लिए आपको कोई ना कोई और ड्रग जो है वो साथ ऐड करनी होती है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। फिर उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स हमने बात कर लिए कि वो क्या आते हैं, वो आपने याद करने, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, वॉमिटिंग, नोजिया और एग्जेसरबेट और ट्रिगर हलूसिनेशंस। अब इसका प्रॉफ में हमें एमसीक्यू ड्रग का ये आया था कि लिवोडोपा कार्बिडोपा के साथ एक पेशेंट ऑलरेडी एल्फा ब्लॉकर्स पे है, ठीक है, सॉरी वो प्राजोसिन पे है, एल्फा एगोनिस्ट पे है, ठीक है, और तो वो भी पोस्चुरल हाइपोटेंशन में जाएगा ना, तो आपने उसको ये लिवोडोपा और कार्बिडोपा के साथ वो नहीं ड्रग देने, वो वाला कोई भी ड्रग नहीं देना जो पोस्चुरल हाइपोटेंशन कराए। ठीक है, ये एक एमसीक्यू आया हुआ था प्रॉफ के अंदर, ये मिलता है तो मुझे आप, मैं इसका ना आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ ग्रुप में भेजती हूँ। मतलब इस लिहाज से ड्रग के साइड इफेक्ट्स याद रखने आपने, कि किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन पूछ लें तो आपको पता हो कि फलान ड्रग का ये साइड इफेक्ट था, तो ये किस ड्रग के साथ नहीं देना है आपने। ठीक है, अच्छा लिवोडोपा कब काम करना बंद कर देगी? लिवोडोपा तब काम करना बंद कर देगी क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पार्किंसन डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, आहिस्ता आहिस्ता डोपामीन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं या डोपामीन जो है वो डिक्रीज करती जाती है, तो लिवोडोपा देने का क्या फायदा होगा? लिवोडोपा तो एक प्रिकर्सर है जिसने डोपामीन को रिलीज कराना है, तो जब ये डिजीज प्रोग्रेस करती जाती है, ठीक है, तो प्रोग्रेसिव लॉस होता जाता है डोपामीन स्टोरेज कैपेसिटी का, तो ये लिवोडोपा कार्बिडोपा काम करना बंद कर देती है। एक इसका ये साइड इफेक्ट है लिवोडोपा कार्बिडोपा का, उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है बल्कि ये डिजीज की प्रोग्रेशन की वजह से आ रही होती है। ओके, बस इसके बारे में आपने यही याद रखना है। उसके बाद है डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट्स। डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन क्या करेगी? ऑब्वियसली डोपामीन का फंक्शन एनहेंस करेगी, डोपामीन के रिसेप्टर्स के साथ एस डोपामीन एगोनिस्ट बाइंड करेगी, और जो डोपामीन वाला काम है वही काम एपोमॉर्फिन करेगी। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कब देते हैं? हम लिवोडोपा से अगर मतलब लिवोडोपा काम नहीं कर रही है ना, बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि लिवोडोपा की इनिशिएशन को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, क्योंकि हमें पता है लिवोडोपा के तो अपने साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं। ऑल दो लिवोडोपा इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसन डिजीज, लेकिन डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि लिवोडोपा की इनिशिएशन को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए और दस डिलेइंग मोटर कॉम्प्लिकेशंस। ये पहली लाइन उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, और एपोमॉर्फिन का बस ये काम आपने याद रखना है कि एपोमॉर्फिन किस लिए हम देते हैं, बस। फिर वो दो तरह के ड्रग्स आते हैं जो कि डोपामीन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं और डोपामीन को एज डोपामीन ही काम करने देते हैं, क्योंकि डोपामीन के आगे भी मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो कि फिर डोपामीन काम नहीं कर पाएगा, उसके अंदर मोनोमाइन ऑक्सीडेजेस आ जाते हैं और कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इनके इनहिबिटर्स देंगे ताकि डोपामीन का लेवल बॉडी ब्लड के अंदर या ब्रेन के अंदर मेंटेन रह सके, तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। लेकिन आपने याद रखना है कि देयर आर टाइप ए इनहिबिटर्स एंड टाइप बी इनहिबिटर्स। टाइप जो हमारे पास ए इनहिबिटर्स हैं वो एज हम एंटी डिप्रेसेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, जो टाइप बी इनहिबिटर्स हैं उनका काम यहाँ पर डोपामीन के लेवल को इनहेंस करना होता है, उसके अंदर सेलेजिलीन और रेजिकलीन आ जाती है। ठीक है, ये दो आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद COMT इनहिबिटर्स, कैटाकोल मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर एंटाकापोन आती है बेसिकली, वो आपने याद रखनी है कि ये भी डोपामीन के लेवल को इनहेंस करती है, तो और टोलकापोन आती है। लेकिन टोलकापोन के बारे में एक बात याद रखनी है कि उसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो टोलकापोन को अब रेयरली यूज किया जाता है। एंटाकापोन और टोलकापोन जो है वो COMT इनहिबिटर्स हैं, वो भी डोपामिन के लेवल को इनहेंस करेंगे उसका मेटाबॉलिज्म स्टॉप करके। अब आपने पूछने वाली बात यहाँ पर ये है कि एपोमॉर्फिन का तो हमें पता है ना कि हम डिले करना चाहते हैं लिवरडोपा की इनिशिएशन को, तो इसलिए हम एपोमॉर्फिन दे सकते हैं पेशेंट को, तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और COMT इनहिबिटर्स का काम कहाँ पर आता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिवरडोपा ट्रेमर्स पे इतना ज्यादा काम नहीं करती है, तो ये आप कम्बिनेशन थेरेपी में दे सकते हो, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स प्लस लिवरडोपा कार्बिडोपा या COMT इनहिबिटर्स प्लस लिवरडोपा कार्बिडोपा, ताकि जो सिनर्जिज्म में काम हो और इसके जो ट्रेमर्स वाला
जो पोर्शन है जो कि लीवर डोपा से इतना ज्यादा कवर नहीं हो रहा था, तो वो ये वाले जो मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स हैं इनसे कवर हो जाए, इनको कम्बिनेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप अमेंटाडीन यूज कर सकते हो। अमेंटाडीन एक बेसिकली जो है वो एंटीवायरल है, लेकिन इसके पास एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज भी होती है, ठीक है, इसलिए अमेंटाडीन यहाँ पर यूज की जाती है ड्यू टू इट्स एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज। तो जो इन इफेक्ट्स आ रहे होते हैं रिजिडिटी वाले, ट्रेमर्स वाले, वो भी इससे रिड्यूस हो सकते हैं। फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल पढ़ लिया है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं, सबसे पहले जो ड्रग्स इंट्रोड्यूस हुए थे पार्किंसन डिजीज के लिए, वो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ही थे, ठीक है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हमने क्यों यूज करने हैं, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक एसिटाइल कोलीन का लेवल बहुत ज्यादा हुआ होता है इसके अंदर। तो जो बहुत पुराने ड्रग्स थे उसके अंदर बेंजहेक्सोल आती थी और फेनहाड्रीन आती थी, ठीक है, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स थे। इसके बाद तो बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन आ गई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की, ऑक्सीबुटाइनिन वगैरह, लेकिन ये ड्रग्स अब ज्यादा यूज नहीं किए जाते क्योंकि इनके भी साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, ये ठीक है। और फिर उसके बाद सर्जरी का इतना ज्यादा रोल नहीं है, उसको आप बेशक ना करना। और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कर सकते हैं इसके अंदर, और क्योंकि डिस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, लेकिन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर पाकिस्तान में किसी एक सेंटर के अलावा कहीं पे भी परफॉर्म होता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का रोल है इसके अंदर, और डिस्ट्रक्टिव न्यूरो सर्जरी भी प्रीवियसली परफॉर्म की जाती थी, लेकिन सर्जरी का कोई खास मेन रोल नहीं है पार्किंसन डिजीज के लिए। यस, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है। फिजियोथेरेपी आपकी रिजिडिटी और पोस्चर को, जो अर्ली स्टूपिंग और फ्लेक्स पोस्चर हो जाते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए फिजियोथेरेपी करते हैं। स्पीच थेरेपी जो पेशेंट की मोनोटोनस एक ही टोन में ये बात करते हैं, आप देखोगे ना हम लोग जो बात करते हैं नॉर्मली, मोनोटोनस का मतलब ये होता है हम लोग बात करते हैं ना नॉर्मली, कभी हमारी हाई पिच होती है, लो पिच होती है, कभी हम किसी टोन में बात कर रहे होते हैं, हम कभी भी एक टोन में बात नहीं करते हैं। अगर आप इन पेशेंट्स को देखो वार्ड में, अगर किसी के भी मेडिसिन के वार्ड में ये पेशेंट पड़ा हुआ है, तो अगर आप उस पेशेंट से बात करने की कोशिश करो तो वो एक ही टोन में मास्क फेस में बात करते जाएंगे, इसे कहते हैं मोनोटोनस टोन, ठीक है। तो इन पेशेंट की मोनोटोनस टोन होती है, तो स्पीच थेरेपी भी पेशेंट को जो है वो तो स्पीच थेरेपी का भी जो है वो रोल है इसके अंदर। अच्छा, अब मैं ये थी सारी आपकी पार्किंसन डिजीज। इसके बाद ना दो तीन वेरिएंट्स हैं पार्किंसन डिजीज के, जिसमें मैंने आपको कहा था ना, क्योंकि इसके अंदर सेंसरी, सेरिबेलम, आई मूवमेंट्स, डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस, ये सब कुछ नॉर्मल होने चाहिए, लेकिन अगर ये नॉर्मल नहीं है तो फिर ये कौन से वेरिएंट्स हैं। तो फर्स्ट इज मल्टी सिस्टम एट्रॉफी, ठीक है, मल्टी सिस्टम एट्रॉफी को शायद ड्रैगर डिजीज भी कहते हैं, ये मैं टाइप कर देती हूँ, शायद ड्रैगर डिजीज, ठीक है। अच्छा, मल्टी सिस्टम एट्रॉफी में पार्किंसनिज्म के साथ साथ आपको सेरिबेलर सिम्टम्स भी मिलेंगे, कोई जरूरत नहीं है इसके अलावा बस याद करने की, कि मल्टी सिस्टम एट्रॉफी के अंदर आपको पार्किंसनिज्म के साथ साथ सेरिबेलम और ऑटोनॉमिक फेलियर भी मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है कि इसके अंदर किसी वेरिएंट के अंदर पार्किंसनिज्म प्रोमिनेंट हो ज्यादा, किसी के अंदर सेरिबेलर फीचर ज्यादा प्रोमिनेंट हो, बस ये दो चीजें याद रखनी है आपने इसके बारे में, कि मल्टी सिस्टम एट्रॉफी के अंदर सेरिबेलम के साइंस भी आ सकते हैं। सेरिबेलम के साइंस एक एटैक्सिया, इनकोऑर्डिनेशन और टोन में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोग्रेसिव सुपरा न्यूक्लियर पाल्सी। प्रोग्रेसिव सुपरा न्यूक्लियर पाल्सी के अंदर जो है इसके अंदर आपके पास आई मूवमेंट डिसऑर्डर आते हैं। हमने बात की थी ना कि आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज में आई मूवमेंट्स विल बी नॉर्मल और सेरिबेलम विल बी नॉर्मल। अगर सेरिबेलम इन्वॉल्व हो गया तो इट विल बी मल्टी सिस्टम एट्रॉफी, और अगर प्रोग्रेसिव सुपरा न्यूक्लियर पैल्सी है तो उसके अंदर आई मूवमेंट्स विद पार्किंसनिज्म के साइंस के साथ आ जाएंगे, क्योंकि कॉग्निटिव इंपेयरमेंट तो हमने आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज के अंदर भी पड़ी हुई है। तो जो आई मूवमेंट डिसऑर्डर है ना वो आपके पास प्रोग्रेसिव सुपरा न्यूक्लियर पैल्सी के अंदर आएंगे।
फिर उसके बाद ये कॉर्टिकोबेजल डिजनरेशन करने की जरूरत नहीं है, और विल्सन डिजीज भी आपने आगे पढ़नी है डिटेल में, वो हम पढ़ेंगे हेपेटोलॉजी में. वैसे जिन लोगों ने हेपेटोलॉजी कर ली हुई है उन लोगों ने तो विल्सन डिजीज वहां पर डिटेल में पढ़ी हुई है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़नी है वो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे. विल्सन डिजीज यहाँ से करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, हंटिंगटन्स डिजीज क्या होती है? हंटिंगटन्स डिजीज का भी एक प्रॉफ में एमसीक्यू आता होता है, बोथ इन पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन. बस इसके बारे में आपने ये याद रखना है कि हंटिंगटन्स डिजीज एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जो है इस किस वजह से होता है, इसके अंदर CAG जो कैज रिपीट्स होते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होती है उनकी हंटिंगटन जीन के ऊपर. अच्छा, हंटिंगटन्स डिजीज एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है. बेसिकली इसकी कैसे इसकी प्रेजेंटेशन आती है कि पेशेंट के अंदर कोरिया के पेशेंट के अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट्स की हिस्ट्री, जिसमें कोरिया ठीक है, और रिपीटेटिव मूवमेंट्स की हिस्ट्री, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की हिस्ट्री होती है, लेकिन पेशेंट की एक इनहेरिटेड हिस्ट्री ये होती है, फैमिली हिस्ट्री ये होती है कि फादर को भी यही कंप्लेंट थी ठीक है, और फादर की डेथ भी बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज में हो गई थी. ये बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है ना, एक इसकी एक्सप्लेनेशन होती है या इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है कि इसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब कोरिया और एबनॉर्मल मूवमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से तो आप ये भी सोच सकते हो ना कि ये विल्सन डिजीज भी हो सकती है ठीक है, और लेकिन उसके अंदर आपके पास सिरोसिस और लिवर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा विल्सन डिजीज के अंदर इन्वॉल्व है. लेकिन हंटिंगटन्स डिजीज के अंदर आपको ये हिस्ट्री जरूर मिलेगी कि फादर को भी, फादर की जो डेथ थी वो बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज में हो गई थी, मतलब ये फैमिली हिस्ट्री आपको बता रहे हैं उसके अंदर. तो इसके लिए आपने ऑब्वियसली जेनेटिक टेस्टिंग करनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर CAG रिपीट हंटिंगटन जीन के ऊपर बात कर ली है, तो आपने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो करनी है. और मैनेजमेंट इसकी सिम्टोमेटिक है, इसके अंदर आप एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज कर सकते हो मूवमेंट्स के लिए, और एंटी डिप्रेसेंट्स और यूज कर सकते हो. डिप्रेशन और एंगजाइटी पेशेंट के अंदर कॉमन होती है, बस इसके अंदर से बस यही करना है आपने. और जो चीजें रह गई हैं हमारी, अब इसके बाद ना, ये वाला लेक्चर हमारा आज का बस इतना ही था. जो इसके बाद हमारी इसके अंदर चीज रह गई है ना, दैट इज GBS और मायस्थीनिया ग्रेविस. तो मायस्थीनिया ग्रेविस और GBS की रिकॉर्डिंग आपको मैं भेजती हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी अभी, और उसके बाद मायस्थीनिया ग्रेविस और GBS की भी रिकॉर्डिंग आएगी. GBS बहुत इंपॉर्टेंट है. मायस्थीनिया ग्रेविस इस दफा BDS के प्रॉफ में आया हुआ था, और काफी वो मुश्किल क्वेश्चन था, किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो मायस्थीनिया ग्रेविस है, वो करेंगे. और बस स्ट्रोक है, वो स्ट्रोक इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे. तो मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने, मैं ये टाइम आपको ज्यादा दे दूंगी इन रिकॉर्डिंग्स को सुनने के लिए, दोनों सुन के फिर स्ट्रोक आप लोगों ने स्टार्ट करना है, क्योंकि स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रोक में से अक्सर क्वेश्चन जो है, अक्सर नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रोक के अंदर से क्वेश्चन आता है. अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो पूछ ले, और आप लोग भी अगर, आप सब लोग, मेरा तो यही है कि आप लोग पढ़ना शुरू कर दें. हाँ, मेनिनजाइटिस और इनके फ्लाइटिस भी करना है. यस एग्जैक्टली, ठीक है वो भी कर लेंगे, वो मैं स्किप कर रही थी. लेकिन एक्चुअली ना वो इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर आते हैं, इसलिए मैं सोच रही थी वो इन्फेक्शियस डिजीजेस के साथ पढ़ाऊंगी, लेकिन चलो हम लोग यहीं पर ही पढ़ लेंगे मेनिनजाइटिस और इनकेफ्लाइटिस भी. वो इसके अंदर वैसे ऐसा जाते नहीं, वो इन्फेक्शियस डिजीजेस के क्वेश्चन के तौर पे आते हैं. ओके, ठीक हो गया. अब मेरी तरफ से तो लेक्चर डन है, किसी का क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में पूछ ले, और कल इसके बाद मैं आप लोगों को GBS की और मायसिना ग्रेविस की भेजती हूँ रिकॉर्डिंग. ओके.